हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द माय चैनल स्टूडेंट। इस चैनल पे जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है वो सोशियोलॉजी बेस्ड है, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। सारे क्वेश्चन आपकी अपकमिंग एग्जाम में आने वाले सोशियोलॉजी बेस्ड जो 60 नंबर का पोर्शन था पूरा का पूरा, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ एमसीक्यू से। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं और ज़्यादा कंटेंट आपका लेकर आऊँ। अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन आप देखना चाहते हो जो 25 क्वेश्चन रहे होंगे, वो आपको मेरी प्लेलिस्ट में इस पीडीएफ के मिल जाएंगे। इससे पहले भी अबाउट हमारे कम से कम 700 नियर अबाउट क्वेश्चन आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सोशियोलॉजी बेस्ड अलग अलग टॉपिक्स में मिलेंगे, ठीक है। 25-30 क्वेश्चन की सीरीज रहेंगी, आप आराम से देखकर अपनी तैयारी को और ज्यादा अच्छी कर सकते हो। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर करिए, क्वेश्चन सामने है, जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डैश एक्ट विच प्रोवाइड फॉर इक्वल वेजेस टू मैन एंड वुमेन फॉर इक्वल वर्क आर, जल्दी से बताइए कौन सा है चारों के चारों दिए गए ऑप्शंस में से। ऐसा कौन सा एक्ट है जो प्रोवाइड करता है इक्वल वेजेस फॉर मैन एंड वुमेन, या इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वुमेन, इक्वल वर्क फॉर इक्वल वर्क। अगर दोनों मर्द और औरत दोनों इक्वल वर्क करती हैं तो उनको इक्वल वेजेस प्रोवाइड करने चाहिए, कौन सा एक्ट कहता है। सिंपल लेमन लैंग्वेज में क्वेश्चन कह रहा है, जल्दी से बताइए क्या वो ए है इक्वल रीम्यूनरेशन एक्ट, बी हिंदू सक्सेशन एक्ट, सी इक्वल सैलरी एक्ट एंड डी इक्वल वेजेस एक्ट। ठीक है, जल्दी से बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे पहले से है ना, ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा रिपीटेड है। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी एक पीडीएफ में अभी जस्ट जो इसके पहले 25 क्वेश्चन थे उनमें मिलेगा आपको, ठीक है। जल्दी से बताइए, अगर आपने वो पढ़े ना तो इसका आंसर आप आराम से दे सकते हो। इसका आंसर रहेगा आपके पास आई होप क्वेश्चन नंबर 26 का ए, इक्वल रीम्यूनरेशन एक्ट इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27 सामने है, जल्दी से आंसर करिए। द वर्ड टू डिनोट टू अ पर्सन हूज सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी और जेंडर डज नॉट कोरस्पोंड टू द सेक्स दे आर असाइंड एट बर्थ आर डज नॉट कन्फर्म टू जेंडर स्टीरियोटाइप सेक्शुअल ओरिएंटेशन वेयर इज एंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन जेंडर आइडेंटिटी। ऑप्शन आपके पास चार दिए गए हैं, कौन सा इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का। क्या वो ए है बाइसेक्सुअल, बी है गे एंड सी है ट्रांसजेंडर एंड डी है लेस्बियन। सिंपल लेमन लैंग्वेज में कहूँ कि मतलब मान लो कि बचपन में माँ बाप उसका जेंडर कुछ लिखवा दें, मेल या फीमेल, बट उस टाइम उसका जेंडर उसको पता नहीं था कि वो कौन है, बाइसेक्सुअल है, गे है, ट्रांसजेंडर है या लेस्बियन, चारों में से, और बाद में उसको पता चले, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, जल्दी से बताइए। ठीक है, क्या ए बी सी डी चारों में से क्या इसका राइट आंसर रहेगा 27 का, जल्दी से बताइए। वो आदमी जेंडर आइडेंटिटी पर आइडेंटिफाई ना हो पाए, डिपेंड ना करता हो, कौन सा होगा ट्रांसजेंडर, कौन सा आएगा ट्रांसजेंडर, ना मेल ना फीमेल में आएगा, ट्रांसजेंडर में आएगा, याद रखिएगा। तो इसका आंसर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन सामने, जल्दी से आंसर करिए। द फर्स्ट वेव फेमिनिस्ट वाज मेनली कंसर्न विद, जल्दी से बताइए। द फर्स्ट वेव फेमिनिज्म वाज मेनली कंसर्न विद ए वुमेन राइट टू वोट, बी इक्वल लीगल सोशल राइट, सी पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन एंड डी डिस्ट्रक्शन ऑफ द पैट्रियार्की। क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने आंसर गेस कर लिया होगा। तो जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला ए, द वुमेन्स राइट टू वोट इज द राइट आंसर। फर्स्ट वेव, द फर्स्ट वेव फेमिनिज्म वाज मेनली कंसर्न्ड विद वुमेन राइट टू वोट। सबसे पहला जो राइट दिया गया ना फेमिनिज्म के द्वारा, वो क्या था आपके पास, वुमेन को राइट दिया गया वोट करने का। उसके बाद एक आहिस्ता आहिस्ता स्टेप स्टेप करके उनको यहाँ तक लाया गया, इक्वलिटी दी गई। अगला क्वेश्चन सामने है, जल्दी से आंसर करिए। 29, द फ्रेंच फिलोसोफर सीमोन डी बेवियर बिलोंग्स टू द ए रेडिकल फेमिनिज्म, बी लिबरल फेमिनिज्म, सी मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म एंड डी सोशलिस्ट फेमिनिज्म। चारों ऑप्शंस में से क्या राइट आंसर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 29 का, ठीक है, जल्दी बताइए। ए बी सी डी चारों ऑप्शंस में से क्या आंसर होगा। फ्रेंच फिलोसोफर सिमोनी डी बोवियर या बीवियर बिलोंग करता है कौन से फेमिनिज्म से, चारों ऑप्शंस में से, जल्दी बताइए। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने आंसर गेस कर लिया होगा।
तो राइट आंसर रहने वाला है आपके पास बी, ठीक है। लिबरल फेमिनिज्म इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 29। लिबरल फेमिनिज्म इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 30 क्वेश्चन पे जल्दी बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन सामने है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू विच स्कूल ऑफ फेमिनिज्म ओप्रेशन ऑफ वुमेन एज अ सोशल ग्रुप टू बी द प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर एसोसिएट विद द कैपिटलिज्म। अकॉर्डिंग टू विच स्कूल ऑफ फेमिनिज्म ओप्रेशन ऑफ वुमेन एज सोशल ग्रुप टू बी द प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द कैपिटलिज्म। ए लिबरल, बी रेडिकल, सी सोशलिस्ट, डी मार्क्सिस्ट। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा चारों के चारों दिए गए नीचे वाले ऑप्शंस में से, ए है, बी है, सी है या डी है। जल्दी से जल्दी गेस करिए, जल्दी से जल्दी गेस करिए। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर रहने वाला है स्टूडेंट आपके पास डी, मार्क्सिस्ट इज द राइट आंसर। मार्क्सिस्ट इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने है, जल्दी से आंसर करिए। कह रहा हु हैड रिटन द रिप्रोडक्शन ऑफ मोदरिंग। जल्दी से बताइए कौन सा इंसान है जिसने लिखा है रिप्रोडक्शन ऑफ मोदरिंग। जल्दी से बताइए, क्या वो ए है सुलामित फाइलस्टोन, या वो बी है नैन्सी जिलिया चौधरो, एंड सी है एन ओकले, डी है सिमन दी बोवियर। जल्दी से बताइए चारों चारों दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। और वीडियो के आखिर में सारे के सारे बच्चे अपना कमेंट करेंगे स्कोर कि टोटल 25 क्वेश्चंस में से उनके कितना स्कोर बनता है, कितने मार्क्स वो गेन कर पाते हैं इस वीडियो में। जल्दी से जल्दी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 का, देखते हैं कितना बच्चा सही आंसर करते हैं। और शेयर करिए, शेयर करना ना भूलिए क्वेश्चन को, वीडियो को। तो राइट आंसर रहेगा सी, एन ओकले इज द राइट आंसर, जिसने लिखा है द रिप्रोडक्शन ऑफ मोदरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 32 क्वेश्चन नंबर 32 सामने है, जल्दी आंसर करिए। कह रहे हैं कल्चर इज डिटर्मिनेंट ऑफ जेंडर रोल, हु ओपिनड दैट। ठीक है, जल्दी से बताइए, क्या वो ए है सुलामित फायरस्टोन, या वो बी है नैन्सी जिला चौधरो, या सी है एन ओकले, या डी है सिमन द भोवियर। चारों दिए गए नीचे वाले ऑप्शंस में से क्या इसका राइट आंसर हो सकता है, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं इसका सही आंसर, कितनी अच्छी तैयारी है आपकी एग्ज़ाम के लिए। जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने आंसर तो गेस कर लिया होगा, तो जिन्होंने नहीं किया उनके लिए राइट आंसर इसका भी रहेगा सी, द एन ओकले। कल्चर इज द डिटर्मिनेंट ऑफ जेंडर रोल, हु कॉइन द टर्म, या हु ओपन दैट। ठीक है, किसने कहा इसको, वो एन ओकले थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन को बिल्कुल सामने कर दिया है स्क्रीन पे, जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से जल्दी आंसर करिए क्वेश्चन को। अकॉर्डिंग टू द टैलकोट पर्सन के मुताबिक द रोल ऑफ फीमेल इन द फैमिली इज। टैलकोट पर्सन जो था उसके मुताबिक औरतों का रोल, फीमेल का रोल फैमिली में किस तरह से है, जल्दी से बताइए किस तरह का रोल उनका फैमिली में है। ए इंस्ट्रूमेंटल रोल है, बी एक्सप्रेसिव रोल है, सी रेशनल है, एंड डी कैथेटिक है। अगर थोड़ी सी भी अच्छी तैयारी किया तो आप इसका भी आंसर आराम से दे सकते हो। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। चारों दिए गए ऑप्शन में क्या आंसर होगा, ए है, बी है, सी है, डी है। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने आंसर गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर इसका रहने वाला है 33 का बी, एक्सप्रेसिव इज द राइट आंसर, एक्सप्रेसिव इसका सही उत्तर रहेगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 33 का राइट आंसर क्या था आपके पास, 33 का राइट आंसर था बी, एक्सप्रेसिव रोल था। किस तरह का रोल था, एक्सप्रेसिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34 बिल्कुल सामने, जल्दी से जल्दी इसका आंसर करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34, हु हैड रिटन द सेकंड सेक्स। जल्दी से बताइए कौन सा आदमी ऐसा था जिसने सेकंड सेक्स के बारे में लिखा है। क्या वो ए था टालकोट, या वो बी था जी पी मुर डॉक, या वो सी था सिमोने दी बेवियर, या वो डी था एन ओकले। जल्दी से बताइए ए बी सी डी चारों दिए गए ऑप्शंस में से क्या इसका सही आंसर हो सकता है क्वेश्चन नंबर
34 के लिए, 34 के लिए क्या आंसर होगा, ए है, बी है, सी है या डी? आई होप मैक्सिमम बच्चों ने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर इसका भी रहने वाला है 35 का, डी, एन ओकले। सेकंड सेक्स के बारे में लिखने वाला आदमी ओन ओकले था, एन ओकले था, डी ऑप्शन सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन बिल्कुल सामने स्क्रीन पे, जल्दी से आंसर करिए। हु ओपन डैट, हु ओपन डैट, वन इज नॉट बोर्न बट रैदर वन बिकम अ वूमेन। ठीक है, जल्दी से बताइए। Who opened that one is not born but rather one become a woman? क्वेश्चन को दो बार रिपीट कर दिया है। नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 35 का, जल्दी से जल्दी कमेंट करने की कोशिश करिए। क्या वो ए है शोला मिथ फाइव स्टोन, या वो बी है नैन्सी जलिया चौधरो, या वो सी है एन ओकले, या वो डी है सिमन द बोवियर? जल्दी से बताइए 35 के लिए क्या राइट आंसर हो सकता है, जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। ए बी सी डी चारों दिए गए ऑप्शंस में से क्या इसका राइट आंसर होगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने गेस कर लिया होगा। तो जिन्होंने नहीं किया उनके लिए राइट आंसर रहेगा डी, सिमन डी बोवियर इज द पर्सन हु ओपन दैट वन इज नॉट बोर्न बट रैदर वन बिकम अ वुमेन्स। ठीक है, बट रैदर वन बिकम अ वुमेन्स, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को सामने कर देता हूँ, जल्दी से जल्दी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 का, जल्दी करिए। कह रहे हैं द पोस्ट मॉडर्न, द पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म सीज जेंडर इन टर्म्स ऑफ, द पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म सीज जेंडर इन टर्म्स ऑफ, चारों ऑप्शन में से क्या इसका आंसर होगा, ए है आइडेंटिटी, बी है सोशल स्ट्रक्चर, सी है कल्चर एंड डी है डिस्कोर्स। चारों दिए गए ऑप्शंस में से क्या राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 36 का, ए है, बी है, सी है या डी है, जल्दी करिए। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने इसका भी आंसर गेस कर लिया होगा, तैयारी अच्छी की होगी। तो जिन्होंने नहीं किया उनके लिए राइट आंसर जो है वो रहेगा आपके पास डी, डिस्कोर्स। द पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म सीज जेंडर इन टर्म ऑफ डिस्कोर्स, डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे सामने जल्दी से करिए। द चार लोटे होपर्स मेनली स्टेट 2001 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये चार लोटे होपर जो था मेनली स्टेट 2001 में कहीं स्टेट्स हुआ है, किसकी एग्जाम्पल है, जल्दी से बताइए। नीचे दिए गए चारों ऑप्शंस में से किसकी एग्जाम्पल है, जल्दी बताइए। ए है मॉडर्न टेक्सचुअल एनालिसिस, बी है पोस्ट मॉडर्न टेक्सचुअल एनालिसिस, सी है कंटेंट एनालिसिस एंड डी है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। चारों में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करिए 37 का। ए है, बी है, सी है या डी है, चारों दिए गए ऑप्शन में से क्या इसका राइट आंसर होगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने आंसर गेस कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए राइट आंसर रहेगा 37 का, बी पोस्ट मॉडर्न टेक्सचुअल एनालिसिस इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 37। चार्लोट होपन मेनली स्टेट इज एन एग्जांपल ऑफ पोस्ट मॉडर्न टेक्सचुअल एनालिसिस। अगला क्वेश्चन सामने जल्दी आंसर करिए। हु डिफाइंड जेंडर एज अ सोशल रोल परफॉर्म्ड इनेक्टेड बाय द इंडिविजुअल एंड वैलिडेट एंड एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी, इनमें से कौन सा आदमी ऐसा जो डिफाइन करता है सोशल रोल परफॉर्म्ड इनेक्टेड बाय द इंडिविजुअल एंड वैलिडेट एंड एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी। ए था जुदित बटलर, बी है सुलामित फायरस्टोन, सी है टालकोट पर्सन एंड डी है नैन्सी जिया चौधरो। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन पूरा सामने कर देता हूँ, क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 38 का, ए है, बी है, सी है या डी है, जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या हो सकता है चारों ऑप्शंस में से। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने आंसर तो गेस कर लिया होगा। तो जिन्होंने नहीं किया उनके लिए राइट आंसर रहेगा ए, जुडिथ बटलर, जो डिफाइन करता है जेंडर एज अ सोशल रोल परफॉर्म आर इनेक्टेड बाय द इंडिविजुअल एंड वैलिडेट एंड एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी। आगे चलिए 39 सामने है, जल्दी से करिए, जूम कर देता हूँ क्वेश्चन को, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ओपिनियन जेंडर इज रियली वन टू एक्सटेंड दैट इज
दैट इट इज नॉ इट इज परफॉर्म्ड इज रिलेटेड टू, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। ए है जुडिथ बटलर, बी है सोलोमिथ फायरस्टोन, सी है टॉलकोट पर्सन एंड डी है जूलिया क्रिस्टिविया। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 39 का, जल्दी बताइए ए है बी है या सी है या डी है। जल्दी बताइए, आई होप मैक्सिमम बच्चों ने आंसर तो गेस कर लिया होगा। राइट आंसर रहने वाला आपके पास 39 का ए, ठीक है 39 का आंसर क्या है ए, जुडिथ बटलर। द ओपिनियन जेंडर इज रियली वन टू द एक्सटेंट दैट इज परफॉर्म्ड इज रिलेटेड टू जुडिथ बटलर इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 39। अगला क्वेश्चन सामने है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ईजी है, जल्दी करिए। द क्वीर थ्योरी फाइंड इट्स रूट इन, क्वीर थ्योरी जो थी वो अपने रूट्स फाइंड किस में करती है, या क्वीर थ्योरी के रूट्स जो हैं वो फाइंड होते तो हैं बट किस में होते हैं। ए ऑप्शन है स्ट्रक्चरलिज्म, बी ऑप्शन है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, सी है फंक्शनलिज्म एंड डी है इंटरप्रिटिविज्म। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा, ए है बी है सी है या डी है। चारों नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो सकता है, ए है बी है सी है या डी है। जल्दी करिए, क्वीर थ्योरी के रूट्स जो हैं वो किस में पाए जाते हैं, में से आंसर रहेगा आपके पास सी, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 40। क्वीर थ्योरी फाइंड इट्स रूट्स इन फंक्शनलिज्म, ना स्ट्रक्चरलिज्म, ना पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ना इंटरप्रिटिविज्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे सामने कर देता हूँ, जल्दी से जल्दी आंसर करिए मेरे आंसर देने से पहले। कह रहा है द क्वीर थ्योरी इज द डिसिप्लिन विच इज डिफिकल्ट टू बी डिसिप्लिन टू, द क्वीर थ्योरी इज अ डिसिप्लिन विच इज डिफिकल्ट टू बी द डिसिप्लिन टू, ए माइकल फॉकल, बी डेरिडा, सी निकी सुलिवन एंड डी जुडिथ बटलर। चारों दिए गए ऑप्शंस में से क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या है, ए है बी है सी है या डी है। जल्दी से जल्दी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 का। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने आंसर तो गेस कर लिया होगा। जो राइट आंसर रहने वाला है स्टूडेंट आपके पास इस वीडियो में इस क्वेश्चन का, वो है सी द निकी सुलिवन, निकी सुलिवन इज द राइट आंसर। द क्वीर थ्योरी इज द डिसिप्लिन विच इज डिफिकल्ट टू बी द डिसिप्लिन टू, निकी सुलिवन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सामने है, चारों ऑप्शन सामने कर देता हूं, जल्दी से जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एम फॉकल डिस्कस हिज आइडिया ऑन क्वीर थ्योरी एट लेंथ, एम फॉकल डिस्कस हिज आइडिया ऑन क्वीर थ्योरी एट लेंथ, ए आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, बी जेनियोलॉजी ऑफ पावर, सी बोथ एंड डी नन ऑफ दीज। चारों में से क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 42 का, ए है बी है सी है या डी है। एम फोकल डिस्कस करता अपना आइडिया ऑन क्वीर थ्योरी, क्या ऑप्शन होगा इसका आंसर इसमें से, जल्दी से बताइए। पहला है, दूसरा है या दोनों है या कोई नहीं है, जल्दी बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो राइट आंसर 42 का रहेगा आपके पास सी बोथ, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज एंड जीनियोलॉजी इज द आंसर, बोथ आर आंसर, तो इसका मतलब सी इसके लिए करेक्ट उत्तर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 43 क्वेश्चन सामने, ओपन जूम कर देता हूँ, ओपन कर दिया क्वेश्चन, जल्दी से करिए आंसर इसका, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही करते हैं। क्वेश्चन छोटा सा है, क्या कह रहा है, हु कॉइंड द टर्म क्वीर थ्योरी, इनमें से कौन सा इंसान है जिसने कॉइन किया टर्म क्वीन थ्योरी। अगर पीछे वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा, इसका आंसर आप बिना ऑप्शन के दे सकते हो। ए है ऑप्शन फोकल्ट, बी है डेरिडा, सी जुडिथ बटलर एंड डी द टेरेसा दी लॉरिटिस। चारों ऑप्शंस में से क्या ऑप्शन होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए, ई है बी है सी है या डी है।
जल्दी जल्दी आंसर करिए। 43 क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा डी, द टेरेसा दी लॉरिएट्स इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 43। याद रखिएगा 43 का जो राइट आंसर रहेगा वो डी है, ठीक है। टर्म क्विड थ्योरी कॉइन करने वाला इंसान यही था, टेरेसा दी लॉरिएट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन सामने कर देता हूँ, जल्दी आंसर करिए। कह रहा है फाइंड वन हु रिलेटेड टू क्विड थ्योरी, आपने वो बताना है जो रिलेटेड है किसके साथ, क्विड थ्योरी। इन चारों दिए गए ऑप्शन में से कौन रिलेट करता है, रिलेटेड है क्विड थ्योरी के। ए है ईवी कोसोफ्स्की, बी है सैडिक विक, सी है थॉमस मोरे, डी है एड्रिनी रिच। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए आपका सही उत्तर क्या हो सकता है, क्या वो ए है, बी है, सी है या डी है। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने आंसर तो गेस कर लिया होगा 44 का। तो 44 का जो राइट आंसर रहने वाला है स्टूडेंट वो है सी, थॉमस मोरे इज द राइट आंसर। फाइंड आउट हु रिलेटेड, हु नॉट रिलेटेड बताना था क्विड थ्योरी के साथ, वो है थॉमस मोरे। ईवी कोसोफिक्स के जो है और सैडविक और एड्रिनी क्या था रिच, ये तीनों रिलेट करते थे, ये थॉमस मोरी नॉट रिलेट करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन सामने कर देता हूँ, जल्दी आंसर करिए। इसके बाद 5 क्वेश्चन और रहेंगे आपके। क्विड थ्योरी बिकम एन एरिया ऑफ स्टडी इन द ईयर, क्विड थ्योरी क्या बन गया आपका एरिया ऑफ स्टडी, बना कौन से साल में। ए ऑप्शन है 1991, बी है 1992, सी है 1993 एंड डी है 1994। चारों दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, ए है, बी है, सी है या डी है। क्विड थ्योरी जो थी वो एरिया ऑफ स्टडी कौन से साल में बनी है, क्वेश्चन का मतलब यही था। तो याद रखिएगा ये बनी है 1991 में, क्विड थ्योरी एरिया ऑफ स्टडी जो है वो बनी कब है, 1991 में। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन सामने है, जल्दी से जल्दी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 46 का कह रहा हु ओपिन दैट कल्चर हैज हाई वैल्यू देन नेचर, इनमें से किस आदमी ने ओपिन किया दैट कल्चर जो है उसकी हाई वैल्यू है नेचर से, नेचर से कल्चर की वैल्यू हाई है। एंड कल्चर मीन बाय विच मैन कंट्रोल एंड रेगुलेट द नेचर, कल्चर का मतलब वो है जिसमें मैन कंट्रोल करता है, मैन कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है किसको, नेचर को। इस टर्म को ओपन करने वाला कौन सा पर्सन था, क्या वो ए था शेरी, बी ओर्टिनर, क्या वो बी था टेरेसा दी लॉरिटिस, क्या वो सी था सैडविक या वो डी था एड्रिनी रिच। चारों दिए गए ऑप्शंस में से क्या राइट आंसर होगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने आंसर तो गेस कर लिया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो जिन्होंने नहीं किया उनके लिए राइट आंसर रहेगा आपके पास ए शेरी, बी ओर्टिनर, ठीक है। ये ओपन करता है डैट कल्चर जो है उसकी हाई वैल्यू है देन नेचर, कल्चर जो है वो हाई है, कल्चर जो है उसका हाई वैल्यू है देन नेचर, बिकॉज कल्चर जो है, कल्चर का मतलब ये कि कंट्रोल रेगुलेट करता है किसको, नेचर को, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु डिवेल्प द टर्म कल्चर हेगेमोनी, इन चारों दिए गए पर्सन्स में से किसने डेवलप की है टर्म कल्चरल हेगेमोनी, क्या वो ए है फोकल्च, बी डेरिडा, सी है एंटोनियो ग्रैम्स्की एंड डी है हर्बर्ट स्पेंसर। चारों दिए गए ऑप्शंस में से क्या राइट आंसर होगा 47 का, जल्दी से जल्दी आंसर करिए। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने तो आंसर गेस कर लिया होगा, फिर भी थोड़ा टाइम ले लो, जल्दी से जल्दी आंसर गेस करो। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए राइट आंसर रहेगा आपके पास 47 का डी हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर डेवलप द टर्म क्या टर्म डेवलप की थी उसने, कल्चरल हेगेमोनी, क्या डेवलप किया था, कल्चरल हेगेमोनी। अगला क्वेश्चन सामने, जल्दी से आंसर करिए। Who developed the term hegemonic masculinity? जल्दी से बताइए Who developed the term hegemonic masculinity? A.
शैरी बी ऑटनर, बी टेरिसा दी लॉरिटिस, सी सैडविक एंड डी रेवन कॉनन। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा चारों दिए गए ऑप्शंस में से 48 का। ए है, बी है, सी है या डी है? जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया शेयर करिए, और नए तो सब्सक्राइब करिए प्लीज। चारों दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर रहने वाला 48 का आपके पास डी, रेवन कॉनल इज द राइट आंसर। रेवन कॉनल डेवलप द टर्म हेगेमोनिक मस्कुलिनिटी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन को सामने कर देता हूँ, जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द पैट्रियार्चल सिस्टम आर इंटरवीन्ड विद वाइड वेराइटी ऑफ अदर हायरार्चिकल रिलेशन, एग्जाम्पल में क्लास, रेस, नेशन। कंसिक्वेंटली नॉट ऑल मैन रिसीव द सेम शेयर ऑफ पैट्रियार्चल डिविडेंड। हु ओपन दिस टर्म, जल्दी से बताइए यार, हु सेज दैट, जल्दी बताइए। क्या वो ए था आर डब्ल्यू कॉनल, क्या वो बी था डेरिडा, या वो सी था फोकल्ड, या डी था पार्सन? चारों दिए गए ऑप्शंस में से क्या सही आंसर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 49 का? जल्दी जल्दी आंसर करिए। ए है, बी है, सी है या डी है ऑप्शंस में से? आंसर जल्दी से बताइए, ठीक है। ये किसने ओपन किया था ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, एक किस्म का कंसेप्ट है उसका। 49 का जो आंसर रहेगा आपके पास रहेगा ए, आर डब्ल्यू कॉनल इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 49। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, ऑप्शन सामने कर देता हूं, चार ऑप्शन है इसके, जल्दी से आंसर करिए। हु आर्गू डैट वुमेन प्ले द की रोल इन मेंटेनिंग कास्ट बाउंड्रीज थ्रू प्रिपरेशन ऑफ फूड एंड इन मेंटेनिंग इट्स प्योरिटी। कौन आर्गू करता है डैट वुमेन प्ले द की रोल इन मेंटेनिंग दिस कास्ट बाउंड्रीज? कौन कहता है कि वुमेन जो हैं वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं मेंटेन करने के लिए कास्ट बाउंड्रीज को, थ्रू प्रिपरेशन ऑफ फूड, फूड बनाकर और मेंटेन करके अपनी प्योरिटी को? ए इरावती कारवे, बी लीला दुबे, सी एम एन श्रीनिवास एंड डी एस सी दुबे। जल्दी से बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन चारों दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी फीमेल ऐसी थी, या मेल, या ऑप्शन जो भी है वो ऐसा था जिसने ये कहा है? ए है, बी है, सी है या डी है? जल्दी से बताइए। आई होप सबने आंसर गेस कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए राइट आंसर रहने वाला आपके पास बी, लीला दुबे इज द राइट आंसर। लीला दुबे हु आर्ग्ड दैट वुमेन प्ले द की रोल इन मेंटेनिंग कास्ट बाउंड्री विद द प्रिपरेशन ऑफ फूड एंड इन मेंटेनिंग इज प्योरिटी। आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।